हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। इस खिचड़ी को नवरात्रि के व्रत में या किसी भी व्रत में आप बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है, जिसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो के 4 से 5 चम्मच पानी डाल के इसे भिगो के 5 घंटों के लिए छोड़ दिया था। 5 घंटे बाद ये साबूदाना, ये देखिए, फूल चुका है और सॉफ्ट हो चुका है और ये अच्छे से मैश हो रहा है। ऐसा ही साबूदाना चाहिए हमें खिचड़ी के लिए। 2 मीडियम साइज टमाटर जिन्हें मैंने काट लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 उबला हुआ आलू जिसे छिलके काटा है, मूंगफली आधी कटोरी तवे पे भून ली है, आप चाहें तो इसे तल भी सकते हैं, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा और जीरे को भून लेंगे। जीरा भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और साथ ही में सेंधा नमक, और सेंधा नमक और टमाटर को मिक्स करते हुए भूनेंगे। इन टमाटरों को तब तक भूनिए जब तक कि ये टमाटर अच्छे से गल ना जाए, और अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो साथ ही में टमाटर के हरी मिर्च भी डाल दीजिए। ये देखिए, टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसे भी मिक्स करेंगे। मिक्स करते ही हम इसमें डालेंगे अपनी भुनी हुई मूंगफली और मिक्स करेंगे, और साथ ही में डालेंगे उबले और कटे हुए आलू, और आलूओं को भी हम अच्छे से इसी में मिक्स करेंगे। तो जब तक आलू मिक्स हो रहे हैं, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी हर रेसिपी के साथ जुड़े रहें। तो ये आलू जो है इन टमाटरों में मिक्स हो चुके हैं, अब हम डालेंगे कटा हुआ बारीक धनिया और इसे भी इसी में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। साथ ही में डालेंगे साबूदाना। साबूदाना डालते ही हम फटाफट से हाथ चलाएंगे और इस खिचड़ी को मिक्स करेंगे, यानी कि हम साबूदाना मिक्स करेंगे। ये देखिए, साबूदाना मिक्स हो चुका है और हमारी जो साबूदाना खिचड़ी है वो भी रेडी हो चुकी है। तो ये खिचड़ी घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बिल्कुल मत बताना भूलिएगा कि ये साबूदाना खिचड़ी कैसी बनी। ये देखिए, साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम जो है बंद करें और अब इसे हम सर्व करेंगे प्लेट में। प्लेट में सर्व करने के बाद इसे हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।